आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के कुछ ऐसे सीड जहाँ पर आपको वर्ल्ड की लिमिट देखने को मिलेगी। तो चलो यार शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सीड है वो ये वाला है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ही आप वर्ल्ड क्रिएट करेंगे तो सीड सेक्शन में ये वाला सीड डाल देना और आपको वर्ल्ड जो होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो आप यहाँ तो आइलैंड के ऊपर स्पॉन होंगे या तो ओशन के बीच में स्पॉन होंगे और आपको यहाँ पर एक वर्ल्ड की लिमिट देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं, ये वर्ल्ड का बॉर्डर है। और आपको यहाँ पर तीन कॉर्नर पे, तीन साइड्स पे वर्ल्ड का बॉर्डर मिल जाएगा। और यहाँ पर एक ग्लेशियर भी है, तो यार ये काफ़ी मस्त दिखता है। यहाँ से एक झरने वाला इफेक्ट आता है। अगर यहाँ पर अपना घर वगैरह, बेस वगैरह बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा सही लगने वाला है। तो चलो यार बढ़ते हैं दूसरे सीड की तरफ। तो अपना दूसरा सीड ये वाला है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से आपको वर्ल्ड क्रिएट करते वक्त ये वाला सीड सेक्शन में ये वाला सीड डाल देना है और आपको ये बायोम जो होगी यानी कि जो वर्ल्ड मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। तो आप एक ऐसी आइस बायोम में यानी कि आइस स्पाइक्स वाली बायोम में स्पॉन होंगे और आपको यहाँ पर एक लिमिट देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये यहाँ पर एक नदी भी होगी जो फ्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको दो तीन साइड्स पे जो है अपना लिमिट देखने को मिलती है, थ्री साइड्स पे। यहाँ पर एक आइस बायोम है, आइस स्पाइक्स बायोम है और काफ़ी सारी और बायोम है। तो ये भी एक अच्छी जगह अपना वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए यानी कि अपना बेस बनाने के लिए। तो हाँ यार, अगर आप ऐसे ही और सीड्स के बारे में जानना चाहते हैं जहाँ पर आपको स्पॉन करते ही वुडलैंड मैंशन या फिर डेजर्ट टेम्पल या फिर आपको एक विलेज मिल जाए जो कि आपके वर्ल्ड स्टार्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह होगी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वाली सीड चाहिए कि नहीं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना।